तुम्हारा दूध का धुला पति एक अबला नारी की मदद कर रहा था, इसलिए उन लोगों ने हाथ पकड़े हुए थे। हर्षद चोपड़ा इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, जिन्होंने ना जाने कितने ही सीरियल्स में काम किया है। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि जिस भी सीरियल से उनका नाम जुड़ जाता है वो सीरियल हिट हो जाता है, क्योंकि उनके फैंस है ही इतने। तो अगर आप भी हर्षद चोपड़ा के फैन हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं हर्षद चोपड़ा के करियर को। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हर्षद चोपड़ा का करियर टेलीविजन पर स्टार्ट होता है 2006 में, जब वो पहली बार नजर आए थे जी टीवी के पॉपुलर शो ममता में, जिसमें उन्होंने करण श्रीवास्तव का कैरेक्टर प्ले किया था। मैं और शाइना सिर्फ साथ में रह रहे हैं, निभा रहे हैं रस्में। हम दोनों के बीच में ना कभी प्यार था, ना है और ना हो सकता है। और इसी साल उन्होंने सब टीवी का शो लेफ्ट राइट लेफ्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने कैडेट अली बाग का रोल प्ले किया था। क्या बोले हम, हमने हमारी बोलती बंद करा दी, टॉक कर पा रहे हैं ना, एसएमएस भेज पा रहे हैं। फिर वो 2007 में नजर आए थे सोनी टीवी के पॉपुलर शो अंबर धारा में, जिसमें उन्होंने अक्षत मेहता का कैरेक्टर निभाया था, वो भी कश्मीरा ईरानी के अपोजिट। अक्षत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ मैडम, ये मेरा घर है। 2008 से लेकर 2009 तक उन्होंने स्टार प्लस का शो किस देश में है मेरा दिल भी किया था, और इस सीरियल में वो प्रेम जुनेजा और गौरव शर्मा के कैरेक्टर में नजर आए थे। जिसका नाम मेरे दिल में लिखा है। 2010 से लेकर 2011 तक हर्षद ने अनुराग गांगुली का कैरेक्टर प्ले किया था, वो भी स्टार प्लस के ही एक शो तेरे लिए में। तानी, मैंने तुझे बताया था ना, जाने का वक्त हो गया। फिर उन्होंने एनडीटीवी इमेजिन के शो धर्मपत्नी में भी काम किया था, जिसमें उन्होंने मोहन गला का कैरेक्टर प्ले किया था। तो कोई बात नहीं ना, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे सारे काम कराऊंगा, ठीक है। और फिर 2012 में आता है लाइफ ओके का शो दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भवा, जिसमें उन्होंने राघव का कैरेक्टर प्ले किया था। पूरे बदन से हंसती हूँ। From 2014 to 2015 he played शाहिर अजीम चौधरी इन सोनी टीवीज हमसफर्स अपोजिट शिव्या पठानिया। बात सवाल जवाब की नहीं है, बात सच की है, वो सच जो तुम्हारा दिल पहचानता है। In 2017, Chopra made his film debut as Rahul in 2016 The End, co-starring Priya Banerjee, Divyendu Sharma and Kiku Sharda. और 2018 में वो Jennifer Wingate के opposite नजर आए थे, वो भी Colors TV के popular show बेपनाह में, जिसमें वो दिखाई दिए थे आदित्य हुडा के character में। तुम्हारा दूध का धुला पति एक अबला नारी की मदद कर रहा था, इसलिए उन लोगों ने हाथ पकड़े हुए थे। मैं उस बेचारी अबला नारी का पति हूँ। जो हर्षद चोपड़ा के करियर का सबसे हिट शो था। In 2020, he starred in देसी म्यूजिक फैक्ट्रीज म्यूजिक वीडियो जुदा कर दिया अपोजिट एरिका फर्नांडिस। It's time. You're gonna be late for your flight. I know. तुम भी आना साथ में। Since October 2021, चोपड़ा has been starting as Dr. अभिमन्यु बिरला in Star Plus show ये रिश्ता क्या कहलाता है अपोजिट प्रणाली राठौड़। हाँ तो? बुद्धू अक्षरा ए से होता है। हाँ, लेकिन दोस्ती तो डी से शुरू होती है ना। फिर उन्होंने स्मृति कालरा के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया था, जिसका टाइटल था आखिरी मुलाकात। मुलाकात। तो ये था हर्षद चोपड़ा के करियर का ब्रेकडाउन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली बार कुछ और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग फिल्मी अटैक। माय वाइफ, मेरी बचपन की दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड।